नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मैं विवेक चौहान केदारनाथ रुद्राक्ष की ओर से आज आपको रुद्राक्ष का हमारे पास मिक्स लोट आया है, 8 मुखी से लेकर 12 मुखी तक, वो दिखाने आया हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा लोट आया हमारे पास तकरीबन 80 पीस का। ये सारे 12 मुखी हैं, ये सब 11 मुखी हैं, ये 10 मुखी, ये जो लाइन है ये 9 मुखी की, ये लाइन है पूरी 8 मुखी की। ये देखिए, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, साढ़े तीन से 4 ग्राम, 4.5 ग्राम ऐसे वेट है इनका। ये देखिए, न्यू लोट है ये, फ्रेश, अच्छी क्वालिटी है। ये 11 मुखी है, ये देखिए बड़ा पीस है, ये नेचुरल। ये देखिए 11 मुखी में गणेश जी के दर्शन करें आप। ये देखिए 11 मुखी का दाना है ये, और गणेश जी बने हुए हैं इसमें। देखिए 11 मुखी गणेश रुद्राक्ष, सारे जो दाने हैं इनका जो साइज है 24, 25, 26, 27 ऐसे mm का है, मतलब मीडियम, अच्छा साइज है, छोटा साइज नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा साइज बोलेंगे। हाँ, कलेक्टर बीड्स नहीं है ये, पर ये मीडियम के अच्छे साइज हैं, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे है, और वेट भी इनका 3.5 ग्राम ऐसे है। जो रेशो निकलेगी इसमें बीड्स की वो 3.5 से 4 ग्राम के रेशो निकलती है, जो साइज़ है नॉर्मल चलता है। ये देखिए, ये 10 मुखी है, ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। ये देखिए, ये 9 मुखी आ गया आपका। ये देखिए, अच्छा है, भारी दाना है, गोल। ये देखिए, केतु के लिए डाला जाता है इसको, माँ दुर्गा के लिए होता है, पूजा होती है इसकी। और ये रहा 8 मुखी रुद्राक्ष, ये सारी लाइन 8 मुखी की है, लास्ट वाली। ये देखिए, सारे बीड्स में कॉमन बात यह है कि सारे मतलब बीड एक जैसे हैं, साइज सबका लोट में मतलब बराबर ही साइज है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा लोट है ये देखिए, 8 मुखी, भारी दाना है। तो ये था आज न्यू लोट आया था ये नेपाल से हमारे पास, 12 मुखी। फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 27-28 mm का बीड होगा ये। तो ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अब न्यू बीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मतलब अभी स्टार्टिंग का ही माल है, तो अच्छा माल निकल के आया लौट ये, तो हमने परचेज किया है, दिखाया भी आपको मैंने, और आगे इससे भी अच्छे और मतलब और बीड्स आएंगे तो मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए जय भोलेनाथ।